आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फेसबुक मोनेटाइजेशन का जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है उसको आपको अपडेट करना है। इससे पहले एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको फेसबुक मोनेटाइजेशन को इनेबल करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में आ रहा है, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर अगर हम जो टैक्स इन्फो है उसको अपडेट नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसको अपडेट नहीं करोगे तो आपका जो भी पे आउट है वो आपके बैंक में नहीं आएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको टैक्स इन्फो को अपडेट करना है। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि किस जगह पर यह आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल फ़ोन में दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आपको जाना है फेसबुक पे, इसके बाद आपको जाना है प्रोफाइल पे, फिर आपको क्लिक करना है पेज पे, और यहाँ से आपको पेज को चूज करना है जिसका टैक्स इन्फो अपडेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से इस पेज को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जा रहा हूँ प्रोफाइल पे, फिर आपको क्लिक करना है मैनेज। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, इसके बाद आपको क्लिक करना है पे आउट। यहाँ से जाना है आपको सेटिंग्स। इसके बाद देखोगे आपका जो टैक्स इन्फो है वो अपडेट शो कर रहा है और ये वेरीफाई भी है। तो मैंने इस पेज का पहले ही टैक्स इन्फो को अपडेट किया था। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसे अपडेट करना है। अगर आपके पास पीसी और लैपटॉप है तो किस जगह पे ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको किसी ब्राउज़र पे जाना है और फेसबुक को सर्च करके लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ से आपको जाना पेज पे, फिर आपको सेलेक्ट करना है जिस भी पेज के अंदर आपको टैक्स इन्फो को अपडेट करना है। तो मैं इस पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से क्लिक करना है मोर पे, देन आपको जाना है वीडियो पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है विजिट क्रिएटर स्टूडियो। अब आपको जाना है मोनेटाइजेशन पे, फिर आपको जाना है पेआउट्स, इसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग्स। तो यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो टैक्स इन्फो है वो अपडेट हो चुका है और ये वेरीफाई भी हो चुका है। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि किस जगह पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा जो टैक्स इन्फो है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपडेट करना है जो आपका टैक्स इन्फो है। तो इसके लिए आपको जाना है पेज पे, और यहाँ से आपको स्विच करना है जिस भी पेज का आपको टैक्स इन्फो को अपडेट करना है। तो मुझे इस पेज का टैक्स इन्फो अपडेट करना है, तो सिंपल मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जाना है मोनेटाइजेशन। राइट साइड में देखोगे तो एक आपको ऑप्शन दिखेगा एक्शन रिक्वायर्ड फिनिश सेटअप। तो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने जो टैक्स इन्फो है उसको अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो इस पेज के अंदर मैंने केवल जो मेरा पे आउट डिटेल है उसको मैंने सिर्फ अपडेट किया था। अगर आपने उसको अपडेट नहीं किया है तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक वीडियो को रिकमेंड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वीडियो आई बटन में आ रहा है, जाकर चेकआउट कर लो। तो मैंने उस वीडियो के अंदर ए टू जेड प्रोसेस बताया है, तो आप उसे ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए हम टैक्स इन्फो को अपडेट करते हैं। तो यहाँ से क्लिक करना है फिनिश सेटअप, इसके बाद आपको यहां से क्लिक करना है नेक्स्ट। अब आपको ये बोल रहा है कि जो आपका पे आउट अकाउंट है उसको आपको सेलेक्ट करो। तो मैंने पहले ही सेव किया था जो मैंने आपको अभी बताया था, तो सिंपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। यहां पे आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। अब आपको बोल रहा है कि बिजनेस इन्फो सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ इंडिविजुअल, फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि इंटर योर इन्फो, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड का नंबर, जो कि तीन नंबर बोलते हैं अपन। तो इस जगह पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो जैसे इसको आप फिलअप कर लोगे फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखोगे तो जो आपने बैंक अकाउंट लिंक किया था वो शो कर रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंफर्म पे आउट मेथड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ऐड टैक्स इन्फो शो कर रहा है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करना है कंटिन्यू, फिर अब क्लिक करना है कंटिन्यू। अब आपको ये पूछ रहा है कि आप US के अंदर रहते हो, तो मैं US में नहीं रहता हूँ। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है नो पर, इसके बाद आप नीचे देखोगे तो ये पूछ रहा है कि आप बीच का एजेंट हो और दूसरे के बिहाफ पे आप पैसे लेते हो। तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ नो,
फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे कंट्री को चूज करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे चेक लगाकर फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने ये एड्रेस डाला था क्या ये सही है, तो मेरा जो एड्रेस है वो सही है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। इसके बाद इनका कहना है कि जो आपने एड्रेस सेलेक्ट किया है क्या वही आपका मेलिंग एड्रेस है, तो मैंने बोला यस, फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो आप सर्विस दे रहे हो उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो आपके पास तीन ऑप्शन आ रहा है। एक जो ऑप्शन है जिसमें ये बता रहा है कि 0% सर्विस है USA के अंदर, और दूसरा जो ऑप्शन है वो 100% सर्विस है USA के अंदर, जो तीसरा ऑप्शन है कि USA के अंदर भी सर्विस है और USA से बाहर भी सर्विस है। तो मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ 0% सर्विस, क्योंकि मेरा कोई भी सर्विस नहीं है USA के अंदर। इसके बाद आपको सिग्नेचर के अंदर आपको अपना फुल नेम डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर आपको चेक लगाकर आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर देखोगे तो आपका जो फॉर्म है वो जनरेट हो चुका है। इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट फॉर्म, तो यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो टैक्स इन्फो है वो अपडेट हो चुका है। तो जैसे अपडेट हो जाता है फिर आपको क्लिक करना है डन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक्शन रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से जो भी आपका टैक्स इन्फो है वो अपडेट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आपको फेसबुक का टैक्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि जो वीडियो का अपडेट है वो आपको हमेशा मिले।